सैकड़ों खुश नसीब लोगों को साहब हजूरी किया। अरे तुम फतवे लगाते हो, क्या बात, उस दौलत को ठुकराते हो, क्या बात, इतनी तुम्हारी बदकिस्मती, अकेला माल लेना ही तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी खुशबख्ती है, जन्नत का टिकट है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशुमार हिंदू सिख ईसाई वगैरह लोगों को इसमें अल्लाह के नूर से साहिब ईमान किया है, बेशक। अरे तुम अपने आप को मुसलमान नहीं कर सके अभी तक, क्या बात है, क्या बात है जी। गाफिल खाबीदा दिलों के अंदर इश्क अल्लाह और इश्क रसूलुल्लाह की शमा रोशन फरमाई, बेशक। हर मजहब हर मसला के हजारों लोगों ने आपसे जिक्र कल्ब हासिल किया, अलगज आपकी शख्सियत फजल कबीर और रहमत बेबहा है, बेशक। आप हिदायत इश्क अर्श अजीम हैं, बेशक। लोगों इस जात के साथ वाबस्ता हो जाओ, अगरचे सूरत सामने नहीं लेकिन हकीकत सा मौजूद है, वाबस्ता हो जाओ, अपने मुकद्दर को बुलंद कर लो। आमीन आमीन। एक मुझसे सवाल ये भी किया गया, माजरत के साथ, क्योंकि अब मेरा दिल चाह रहा है कि वो भी मैं आपको सुना दूं। अक्सर सवाल किया जाता है, मुझसे किया जाता है, पता नहीं मुझसे क्यों लोग करते हैं। वो कहते हैं कि अंजमन सरफरोशन इस्लाम इंटरनेशनल तंजीम के बारे में आप वजाहत करें, वो कौन लोग हैं, क्या हैं, क्या करते हैं, उनका मिशन क्या, अगराज और मकासद क्या। आप कौन लोग हैं? इंडिया से आए, जासूसी करते हो, चोरियां करते हो? नहीं, अल्लाह से मिलाते हो। जो मखलूक, जिस मखलूक का नाता अल्लाह ताला की जात से टूट चुका है, वो अपने मुर्शिद करीम के फैसे अल्लाह से मिलाते हो। बुरे लोग हो, ये बुराई है, क्या बात। मुफ्त में कोई पैसा नहीं, कोई चंदा नहीं, कोई खाले नहीं, कोई जगह टैक्स नहीं, मुफ्त में। अब इस अंजमन के बारे में मुख्तसर, अंजमन सरफरोशन इस्लाम इंटरनेशनल एक आलमगीर इस्लामी रूहानी तहरीक है, बेशक। जो तालीमात औलिया किराम की हकीकी वारिस है, बेशक। हकीकी वारिस वारिस है। अंजमन सरफरोशन इस्लाम और इसके बानी और सरपरस्त आला अकायद दीन इस्लाम शरीयत मुस्तफी अलैहिस्सलाम के ऐन मुताबिक है, बेशक। आओ चैलेंज करता हूँ मैं, आओ। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके नजरियात अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेली मातुरीदी हैं, बेशक। ये लोग असूल शरा, अदीला अरबा, जरूरियात दीन, जुमला अरकान इस्लाम के कायल और पाबंद हैं, बेशक। एक यहां मैं बात वजाहत करना चाहता हूं, यहां हैदराबाद में कितनी आबादी है? मेरा ख्याल 10-11 लाख होगी तकरीबन। मस्जिदों में कितने होते हैं लोग? मस्जिदों थोड़ी थोड़ी थोड़े होते हैं, जुम्मे की नमाज में होते हैं, हजारों में होंगे, 10,000 कर लें, चलो लाख कर लो। अब क्या इसका यह मतलब है कि सरकार की जात पे कोई हर्फ आ रहा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, क्योंकि हजूर की उम्मत है ना। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो मेरे आका की जात तो वही है जिसके बारे में रब ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमत। सुभान सुभान अल्लाह। या यूहन्ना बियो इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबशिरा व नजीरा। वो तो महबूब जात है, आपकी जात पर हर्फ नहीं आता, वो हमारी कमी कुताई होती है। अगर कोई सरफरोश नमाज नहीं पढ़ता तो वो कुताई है, सरकार की जात पे कोई हर्फ नहीं आता। आप फरमाते हैं कि शरीयत और तरीका दो पर हैं, एक पर से परिंदा नहीं उड़ सकता। जब दोनों पर आपके सही होंगे, सारी सही और सालिम होंगे, आप परवाज करते जाएंगे हत्ता के दीदार इलाही तक पहुंचेंगे, बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। अगर कोई अमल नहीं करता तो उसकी कुताई है, बेशक। खैर, इनका मशरब सूफिया अहले मोहब्बत अखुवत नरमी और इतदाल पसंदी है। इनका मिशन फरोगे इश्क इलाही और इश्क नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनकी तालीमात औलिया मशाइख तरीका तो वैसिया कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया और वर्दिया वगैरह रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुताबिक हैं। बिलखसूस हुजूर गौसुल आजम शेखुल आलम पीर दस्तगीर सुल्तानुल फुकरा महबूब सुबानी कुतुब रबानी शाहबाज अला मकानी सिद्ध शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत सुल्तानुल फुकरा सुल्तानुल आरिफीन हकबा कद्दसल्लाहु सिराहु की तालीमात की अक्कास हैं और अहमद मुसलमीन की हदायत और इस्लाह के लिए मुसर और उनके साथ जज्बा खैर खाई की गम्माज है।
ये लोग मसला के हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा मोहम्मद अहमद आखा फाजिल बरेलवी कदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परुकार हैं। ये जात हक ताला की वहदानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबुवत यौम आखरत हश्र नशर मिजानो पुल सरात जन्नत और दोजख दीदार इलाही पर कामिल ईमान रखते हैं। ये हजरात शरीयत और तरीकत को लाजमी यकीन करते हैं। इनका तरीका फैज जिक्र कल्ब इसमें अल्लाह जात और लताइफ सिता है। बेशक इनका यह तरीक सलूक लैके तहसीन और काबिल तकलीद है। यह तर्ज अमल बहुत मुअसर और अबदी है। ये हजरात नजरिया वादुल वजूद खासकर वादुल शहूद के कायल हैं। अमन व मोहब्बत इताद व अखुवत इत्राम इंसानियत इकराम मुस्लिम मसलकी हमांगी मजहबी रवादारी इतदाल पसंदी नरमी के बारे में इनकी मुसबत कोशिशें हैं। झोल तो कमी तो मुझे दिखाओ है कोई। ये लोग तफरकाबाजी मजहबी मुनाफरत इंतशार व इफ्तकार इंतहा पसंदी दहशत गर्दी के सख्त खिलाफ है। बेशक कोई साबित करे कि सरफरोश ने ऐसी को दहशत गर्दी दिखाई हो। क्या बात, कौन दिखा रहे हैं? जिनको अल्लाह के महबूब की जुबान से खारजी कहा गया। क्या बात, बेशक और वही खारजी फतवे लगा रहे हैं। उनका तोड़ करने के लिए अल्लाह ताला की जात ने इस शख्सियत की खिदमत के लिए मुन्ना चीज को खड़ा कर दिया है। आओ मेरे सामने बात कर। अल्लाह मुल्क के किसी कोने में किसी अदालत में किसी कचहरी में किसी जिरगा में आप बुलाएं, मैं आने के लिए और आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बरादराना माहौल में नरमी और मोहब्बत के साथ अखुवत और भाईचारे के साथ और दहशतगर्दी से हटकर जिद्दो अनाद हसद से हटकर आप इन बीमारियों का इलाज करके आए। नफसानी बीमारियों का हम हाजिर है आपके सामने। ये लोग मुर्तद खारजी रावजी गुमराह फिरकों से बेजार हैं। बेजार होना बेजार हैं और तहफ़्फ़ुज़ मकाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है। इनके अगराज और मकासद कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कलमतुल हक को बुलंद करना शरीयत के साथ साथ तरीका तो इख्तियार करके कुर्ब इलाही का हसूल है। इदारे बारी ताला तक पहुंचना है। मुआशरे की बुराइयों को सलफ सालीन सूफिया किराम के तरीक और तर्ज अमल से खत्म करना है। नीज महफिल जिक्र और नात का इनेकाद करके नौजवानों के शऊर को बेदार करना है। पर ये लोग सूफी नहीं तो और क्या है? क्या बात, यही तो मुसलमान है। अगर ये सूफी नहीं मुसलमान नहीं है तो दुनिया में बताओ कौन सा मुफ्ती कौन सा सूफी है कौन सा मुसलमान है? सारी अलामतें सूफियों की इन्हें में पाई जाती हैं। मोहब्बत इनसे मिलती है, इताद इनसे मिलता है, अखुवत इनसे मिलती है, दहशतगर्दी ये मुतनफर हैं, प्यार ये बांटते हैं, मोहब्बत ये बांटते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम को शऊर दे, इस कौम को अकल दे, इस कौम को हदायत दे। मैं इन्हीं अल्फाज पे इक्तफा करता हूँ। चूंकि मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि किसी वजह से मैं नहीं बोल सकता, जब मैंने साहबजादगान का हुक्म सुना तो मैंने अपने आप को पेश कर दिया। इन टूटे फूटे अल्फाजों में मैंने आपका आपके सामने मैसेज पहुंचा दिया है। मेरा नंबर हर फतवे पे होता है, यहाँ हैदराबाद में पहुंच गया है, पूरी दुनिया में मेरा फतवा पहुंच चुका है। मैं हाजिर हूँ, मैंने कोई चंदा वंदा नहीं लिया गौर शाह साहब से, मुझे ईमान मिला है, मुझे यकीन मिला है, हक्कुल यकीन मिला है, मुझे बसीरत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फहम व फरासत ताकि और शख्सियत ने मुझे उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने मुझे काबू किया है। अब मैं उनकी खिदमत में लग गया हूँ। मैं स्कूल टीचर था, मैंने सन 98 में गुजारिश की कि हजूर मैं रिजाइन देकर मैं पूरी जिंदगी मिशन पे लगाता हूँ। इतना मैं गर्विदा हो गया, इतना मैं शैदाई हो गया आपकी शख्सियत के बारे में। तो फरमाया कि नहीं, सर्विस पूरी करो, जब आपकी जरूरत होगी हम बुला लेंगे। मैंने 1 मार्च को सबमिट कराई दरखास्त रिटायरमेंट की, 2 मार्च को मुझे बुला लिया गया। अभी तक इसी मिशन पे लगा हूं।